चलिए, एक सवाल ये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी आप सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए, उसका तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट है? अगर फर्नीचर वाला फर्नीचर खरीद रहा है, वो बेचने के लिए खरीद रहा है, तो फर्नीचर पे आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा। अगर गाड़ी का मैन्युफैक्चरर गाड़ी मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टील खरीद रहा है, प्लास्टिक खरीद रहा है, या हेडलैम्प खरीद रहा है, या कुछ और खरीद रहा है, उन सब के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एक राशन की शॉप वाला जो हजारों तरह के प्रोडक्ट खरीदता है बेचने के लिए, जब वो खरीद रहा है तो उसके लिए इनपुट है, उसका भी उसको क्रेडिट मिलेगा। तो बेसिकली स्टॉक एंड ट्रेड जो करंट एसेट्स है, वो आप चाहे खरीदेंगे तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल के रहता है। तो अगर मैं बहुत सारे सर्विसेस अवेल कर रहा हूं, तो उन सर्विसेज के ऊपर भी मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब ये सवाल उठ, तो हमने ये क्या लिख दिया, आईटीसी को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, रॉ मटेरियल इनपुट्स या स्टॉक इन ट्रेड अगर मैं खरीद रहा हूं तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट अपना क्रेडिट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना क्रेडिट देगी। ये दोनों क्रेडिट आपस में एडजस्ट कभी भी नहीं होगा, ना पहले होता था ना अब होगा, यानी कि जीएसटी से पहले भी नहीं होता था ना जीएसटी में भी होगा, ठीक है? उसी तरह से अगर सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने का पावर सिर्फ किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो इसका क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही एडजस्ट करेगी। जीएसटी में बस चेंज आएगा कि इसका स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगा। क्लियर है? और कैपिटल गुड्स जो हम लोग सवाल कर क्या कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, फर्नीचर, एसी, पंखे, ये सब जो खरीदा गया है, क्या ये बेचने के लिए खरीदा गया है या इसको यूज करेंगे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए? यूज करेंगे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है, वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है, एसी वगैरह वगैरह बहुत सारे सामान खरीदता है, वो क्यों खरीदता है? ताकि उससे वो गाड़ी बना सके, वो बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहा। जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जो क्रेन खरीदता है, वो क्रेन किस लिए खरीद रहा है? कंस्ट्रक्शन करने के लिए, क्रेन बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहा है, तो उसके लिए वो सब क्या है, एसेट है। तो बैलेंस शीट में जो आप एसेट दिखलाते हैं, उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वही हम लोग बात कर रहे हैं। तो कहानी वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना देगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना देगी। तो मैं आपको बिल बना देता हूं कैसे बनता है, पुराना बिल जीएसटी से पहले। आपने कुछ भी खरीदा, चाहे रॉ मेटेरियल खरीदा, कैपिटल गुड्स खरीदा, सर्विसेज छोड़ के, तो बिल कैसे बनाएगा, वैल्यू 100, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगा 10 रुपया, टोटल कितना हो गया 110। अब उसके ऊपर स्टेट लेवल का वैट लगेगा, जिसको सेल्स टैक्स बोल रहे हैं, कितना 110 का 10% कितना 11, कितना आ गया 121। ये एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट देगी। ये कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली है, महाराष्ट्र है, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट इसका क्रेडिट दे देगी। समझ में आ गया? अब हम लोग पूछ रहे हैं ये सवाल कि कैपिटल गुड्स के ऊपर क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप बताइए क्या लगता है आपको, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अब आप सोच के देखो, अगर आप कहते हैं नहीं मिलना चाहिए तो प्रॉब्लम क्या आती है। देखो, मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट है 60 लाख, प्लांट मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट है 60 लाख, जिस पर टैक्स लगा है 10 लाख, एज्यूम कर रहा हूं मैं, तो ये 10 लाख इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है? अब अगर आप कहते हैं नहीं मिलना चाहिए, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स कितना होगा, 60 लाख होगा। अब आपने एफएम में पढ़ा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि 60 लाख रुपया लगा के मैं कितना पैसा कमाऊंगा, तो मान लिया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप 10% कमाना चाह रहे हैं, कितना कमाना चाह रहे हैं 10%, यानी कि 6 लाख, 60 लाख का 6 लाख। अब इस 6 लाख को कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस कैपिटल गुड्स को यूज करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी प्राइसिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि ताकि आपको 10% का रिटर्न आए। हेलो, आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं, मार्कअप करना पड़ेगा ना। अब अगर मैं कहता हूं कि इस 10 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा आपको, अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 50 लाख, क्योंकि 10 लाख तो वापस करेगी गवर्नमेंट, 50 लाख का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा 5 लाख। अब 5 लाख रुपया कमाने के लिए आप प्रोडक्ट का फिर मार्कअप करेंगे, बताइए मार्कअप किस में ज्यादा करेंगे, 6 लाख में या 5 लाख में? 6 लाख में। इन्फ्लेशन कब आएगा, 6 लाख में। और 6 लाख में अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है तो 6 लाख के बेसिस पे मार्कअप, और क्रेडिट मिल जाता है तो बताइए अच्छा क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, 5 लाख। इन्फ्लेशन तो नहीं चाहती है ना गवर्नमेंट, तो इन्फ्लेशन ना हो इकोनॉमी में
इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स के ऊपर क्रेडिट देती है। आया, अब आप देखिए, अब इकोनॉमिस्ट जब गवर्नमेंट एडवाइस लेती है इकोनॉमिस्ट से, तो इकोनॉमिस्ट से पूछेगी ना, एक जो हमारे नेताजी लोग हैं उनको कुछ आता है नहीं, समझ तो है ना, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझ तो है उसको, अगर जैसे आप लोग को टैक्स आता है लेकिन समझा रहा तो समझ में आ रहा है ना, लेकिन समझ है तभी तो समझ में आ रहा है, तो ऐसे मत बोलो। तो अब मैं एक सीट पर बैठा हुआ हूं और मुझे डिसीजन लेना है कि कैपिटल गुड्स के ऊपर क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इकोनॉमिस्ट मुझे समझाएगा, कैसे समझाएगा, ऐसे जैसे मैंने आपको समझाया, तभी तो मैं डिसीजन ले पाऊंगा कि हवा में सर आपकी मर्जी है, हेड आ जाए तो दे देना, टेल आया तो मत देना, ऐसा होता है, एवरीथिंग हैज रीजनिंग। तो उन्होंने हर एक रीजनिंग का नाम दे दिया, बोला कि ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट अगर आप फॉलो करेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ नाम है, अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसका नाम क्या रखा, ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट। अब कुछ बोला नहीं यार, 25 लाख ये जो रिलायंस का जो फैक्ट्री लगा हुआ है जामनगर में, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है करीब करीब 2.5 लाख करोड़, जो रिफाइनरी है 2.5 लाख करोड़ का 10% होता है कितना, 25,000 करोड़, और ये 25,000 करोड़ का जो ITC अगर गवर्नमेंट दे दे तो ये एडजस्ट किससे होगा, जो आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसी से तो एडजस्ट होगा। अगर उसका मंथली टर्नओवर 10,000 करोड़ है और 10,000 करोड़ का आउटपुट टैक्स 10% मान लो कितना होता है, 1,000 करोड़। अब हर महीने 1,000 करोड़ एडजस्ट भी होगा तो आप सोच के देखो 25,000 करोड़ 2.5 साल में एडजस्ट होगा। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। तो अब जब नेता यहां बैठा हुआ है, एक इकोनॉमिस्ट बोल रहा है नहीं सर दोगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी तो कोई इकोनॉमिस्ट होगा जो मेरे तरफ से बोलेगा, बोला सर देख लो 2.5 साल तक कोई रेवेन्यू नहीं, कुछ नहीं होने वाला, फिर दे दोगे तो प्रॉब्लम समझ में आई क्या हो रहा है, बीच का रास्ता निकालो, क्लियर है, हैं? बोला थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ा, एक बार में मत दो, इंस्टॉलमेंट में दो। बोला सर डिप्रिसिएशन के बेसिस पे, जितना डिप्रिसिएशन उस एसेट के ऊपर है, मान लो 10% डिप्रिसिएशन है तो उस साल 10% मिलेगा, फिर 12 से डिवाइड कर देना, तो ये जो 2.5 लाख करोड़ पूरा एक साथ दे देगा तो 25 महीने में एडजस्ट करना, उसको एडजस्ट करवाओ 1,000 महीने में। समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है, ये सब एडजस्टमेंट ही तो है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके बाद एडजस्टमेंट है, नया नया तरीका, प्रॉब्लम सर ये प्रॉब्लम इसका ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम इसका ये सॉल्यूशन। तो उन्होंने कहा डिप्रिसिएशन के बेसिस पे दे दो, बोला हर एक एसेट के ऊपर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अलग अलग होगा, लड़ाइयां होगी डिप्रिसिएशन रेट पे, इनकम टैक्स वाला कंपनीज एक्ट वाला है, प्रोप्राइटर में कंपनीज एक्ट चलता नहीं है तो फिर क्या डिप्रिसिएशन होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो इनकम वेरिएंट में ITC अवेलेबल तो है लेकिन इस पे दिक्कत आएगी, तो बोला और एक तरीका निकाल लो। तो उन्होंने एक कंजम्पशन वेरिएंट निकाल लिया और कहा अवेलेबल, ठीक है, और कहा स्टेट गवर्नमेंट को मैक्सिमम 36 इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को चॉइस दे दी कि भैया 36 महीने का इंस्टॉलमेंट में खत्म करो, अगर आप बहुत अमीर स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र, आप एक बार में 100% देकर खत्म करो, आपके पास तो करोड़ों रुपए ऐसे भी आ रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड करेगा कि वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट पूरा इंडिया कंजम्पशन वेरिएंट ही फॉलो करता है, याद रखना ये दोनों वेरिएंट फॉलो नहीं करता है, यही वेरिएंट फॉलो करता है और इसका 100% ITC अलाउड है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास चॉइस है वो 36 इंस्टॉलमेंट में कर सकता है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट 24 में कर रही है, तमिलनाडु 24 में कर रही है, महाराष्ट्र एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा ITC दे दे रही है। आ रहा समझ में, GST आने के बाद, मैं GST से पहले, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का मैक्सिमम 36 है और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में अलाउ करती है, जो मैं करवाऊंगा सैंडविच क्रेडिट आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने इंस्टॉलमेंट में 2, जब GST आ जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही बार में पूरा अलाउ करती है, हम लोग अमीर हो गए, इसका मतलब समझ में आ गया आपका।
ये भी समझ में आ गया, मुबारक हो गया।